नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। ओबीसी ने एचसी के फैसले को बताया गलत, कहा हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया। बेंगलुरु में बारिश का कहर लगातार जारी, अब तक 13 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने राहत को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बॉर्डर पर उड़ाए गए लड़ाकू विमान। अनिल देशमुख के निजी सहायक ने मुंबई सत्र न्यायालय में दायर की जमानत याचिका। कोरोना के नए वेरिएंट XBB और XBB.1 वेरिएंट एंटीबॉडी से बचने में है सक्षम, रिसर्च की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, 36 पोलिंग स्टेशन और 67 बूथ होंगे तैयार। बिहार के बेतिया में अंधाधुंध फायरिंग से 4 लोग हुए जख्मी। बढ़ रही है भारत की स्पेस इकोनॉमी, साल 2025 तक बनेगा नया रिकॉर्ड। भारतीय एथलीट कमलप्रीत कौर पर लगा 3 साल का बैन, डोपिंग टेस्ट में पाई गई दोषी। और कीमिया पुल धमाके के मामले में रूस ने 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, विस्फोटक को लेकर FSB ने दी जानकारी।